तो मैं अपने हस्बैंड को शो नहीं करती थी कि मैं मुझे प्रॉब्लम है। इनके बच्चे भी गवाह हैं, लेकिन यहाँ आपने फैसला खुद करना है इनकी गवाही से क्या होगा। खुद फैसला करोगे ऑनलाइन और आप लोग भी। इस बीच मैटर जो सारा ये आपको बताएंगे, उससे पहले ही इनको एक बीमारी आ गई, वो थी ब्लीडिंग। इनको लहू बहने का रोग लग गया, ठीक है। उस ब्लीडिंग की वजह से ना इसका मसल खींचा गया पीछे से। तुम्हारी वो दर्दें उठती थी उसकी सारी तकरीबन मिलकर कितना तड़पती थी? बहुत ज्यादा पापा जी, मैं 12 गोलियां खा जाती थी एक दिन में, भूखी रहकर भी खा जाती थी 12 गोलियां। पेन किलर, ये हांगकांग फैमिली को लेकर आओ मेरे पास। ये गवाही नहीं, आपके लिए शिक्षा है इनके जीवन से। क्या है इनके जीवन से? इनके जीवन से ना एक शिक्षा है बहुत तगड़ी। देखो, परमेश्वर का प्रेम आत्मा के द्वारा मेरे अंदर आ चुका है और सच्ची में किसी का विरोध नहीं करता, मैं सबसे प्रेम करता हूं। लेकिन जो राइट शिक्षा है उसका प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, जो खुदा ने कहा वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मैं वो ना करता होता तो इसका क्या हाल होता, सोचो इस बहन का, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में आपको बताना, जैसे यहां बाइबल से पढ़ रहे थे, जैसे ये बाइबल के वो लिखे हुए ज्ञान बातें और ये ताजा ताजा जो इस समय ताजा बाइबल खड़ी है हमारे सामने, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, माइक दे दो इसको, अपने आप पकड़ लेंगे वो। बोलो अपना नाम। प्रेस द लॉर्ड। प्रेस की पापा जी, मम्मा जी और सारी कलीसिया। ओके, सब बोलो जय मसीह की, बोलो। ओके, मेरा नाम सरबजीत है, मैं हांगकांग तो हूं। हां, और मैं परमेश्वर दे नाम। हिंदी बोल सकते हैं आप? हिंदी बहुत कोशिश करती हूं। हां, कोशिश करना। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग आज भी हिंदी समझने वाले हैं, और जितने हमें लाइव देख रहे हैं ना जी, उनमें से बहुत सारे आधे तक तो हिंदी समझने वाले होंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट। मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मुझे परमेश्वर चाहिए, कि मैं परमेश्वर से मिलना है मैंने, ठीक है। तो जब से मैं बड़ी होती हूँ, मुझे कुछ भी होता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि कोई स्पिरिट है, कोई परमेश्वर है जो मुझे बचाता है हमेशा, ऐसे सोच थी आपकी बनी हुई, ठीक है। देखो, तो ये कैसे यीशु मसीह में आए, कब आए थे, कौन से सन में आप यीशु मसीह में आए? 2016 के 7वें महीने की 16 तारीख को। अरे देखो कितना याद है जी। इधर कल रोटी खाकर आए होंगे कई लोग, इनको ये भी नहीं याद होगा जी। कैसे खाकर आए, किसके साथ खाकर आए? आ हा, ऐसे भी है लोग कई। सुनो ध्यान से, अब ध्यान देना, इनका यीशु मसीह में आने का कारण था इनकी मम्मी, ठीक है। जिस भी धर्म से ये थे उसमें इनका मन था, लगे हुए थे जो भी इनके पास ज्ञान था, ठीक है। लेकिन जो इनकी पेके मम्मी है, क्योंकि इनके सारे जो इसकी बहन भाई पापा सब हांगकांग में थे, yes। लेकिन इनकी मम्मी इंडिया में थी, ठीक है। उनको ना किसी ने डिपोर्ट कर दिया था, पहले वो गई थी जी। इनके अपने रिश्तेदारों ने ही ना उनको ऐसी एक वो क्या कहते हैं, क्या डालकर, गलत केस डाल दिया, गलत केस डालकर उनको डिपोर्ट कर दिया जी। अब वो केस डालने के बाद उनके ऊपर वो केस होने से वापस वो हांगकांग में नहीं जा सकते थे, और सारे ये लोग उधर, और ये इनकी मम्मी अकेली इंडिया में, अकेले घर में अकेली लेडी, बाकी कोई भी नहीं है जी। तो इसमें कितना परेशानी होगी, ये बड़ी चिंता करते थे जी, ठीक है। लेकिन इन्होंने दो बार अप्लाई किया, दोनों बार रिफ्यूजल आया जी, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता ना उस केस की वजह से जी। लेकिन एक दिन इनको किसी ने यीशु मसीह की गुड न्यूज दी। हाँ जी। पहले तो मन नहीं मान रहा ना, बिल्कुल नहीं मान रहा, बिल्कुल मन नहीं मान रहा, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि हम ऐसा किया वैसा किया, इधर गए उधर गए, ये है ऐसे दिमाग में आता ना जी। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था, इनको ऐसे दिमाग में, अगर हमारा धर्म भी है उसमें भी ऐसे हैं तो ये ऐसे यीशु कौन है जो हमारा ये काम कर सके। पापा, मैं अपने धर्म में बहुत कट्टर थी, मैं कट्टर थी, उसको मानती थी कि ये खुदा है, मुझे नहीं पता सी रब एक है ये पता सी, लेकिन अपने धर्म में कट्टर थी जी। और यीशु की बात आई तो उसको बिल्कुल इग्नोर किया कि नहीं ये क्या है, ऐसे करके, ठीक है। सुनो ध्यान से, उसके बाद ना किसी ने समझाया कि आप इतनी जगह पर गए, क्योंकि ये पंडितों के पास भी गए, कुछ नहीं छोड़ा पापा मैंने, कुछ सियाने बाबे भी इधर उधर सब जगह गए,
पापा मुझे सब बोलते थे ये इतना विश्वास करती है, कोई कहता है उधर चल जाओ तो उधर ही चल जाती है। सब जगह गए लेकिन यीशु की जब बात आई उस पर मन नहीं आ रहा, नहीं आया ठीक है जी। लेकिन कैसे भी करके इनका एक मन बना जी। जब मन बना तो फिर इन्होंने इनके इंडिया में जो इनकी जहां मम्मी थी वहां पर एक पास्टर थे, परमेश्वर का प्लान था इनको चुनने का, उन्होंने प्रार्थना की, थोड़ा बहुत इन्हें गाइड किया, फिर इनकी जब फाइल लगी तो वीजा आ गया। यस आमेन। जब वीजा आ गया तो ये सोचने लगी यीशु कौन है ये, है ना, बाद में आएगा ना दिमाग में आएगी बात जी। फिर ये और सुनने लगी, उसने उस पास्टर ने बताया कि हमारी ये मिनिस्ट्री है और मेरे वो स्पिरिचुअल फादर है, इसको देखो आप लोग। फिर ये देखने लगी अब इसकी प्यास बढ़ रही है, अब ये सोच रही है कि मुझे परमेश्वर चाहिए जी। मैंने उससे बातें करनी है, उससे मेल करना है, मिलाप करना है ठीक है। अब ऐसे दिमाग बन गया है हाँ जी। और उसके लिए जो भी नियम है उस मिनिस्ट्री का, अब जो वो रह गया ना मेरे पास मेरे घर में जी। उसमें ना बहुत सारी खाली बॉटल्स थी पानी की, सॉरी तेल की जी। और कुछ कपड़े थे जिसको बोलते ना अनॉइंटिंग हैंड की रुमाल, वो थे ठीक है, वो काफी थे इनके पास, काफी थे ठीक है। जब काफी थे वो कैसे मिले थे इनको, इन्होंने ना काफी बड़ी उस मिनिस्ट्री की वो होती है मेंबरशिप जी, लाखों की जी। वो देकर ली ताकि मुझे उस मेंबरशिप के बदले स्पेशल अनॉइंटिंग। अभी जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा मकसद ये नहीं कि किसी अगुए को टारगेट करना जी। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं दूसरों की बुराई कर अपने आप को महान बनाना चाहता हूं। लेकिन यहां आपने फैसला खुद करना है इनकी गवाही से क्या हुआ जी। खुद फैसला करोगे ऑनलाइन और आप लोग भी इस बीच मैटर जो सारा ये आपको बताएंगे, इनके बच्चे भी गवाह हैं सारे ठीक है। इन्होंने वो लिया जी। उसके बाद उसको ये यूज करते थे अपने कामों के लिए, फिर भी हालात 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 और अशांति रहती थी। पापा जी उसमें यही समझाया जाता था कि आप इसको लगाएं, लगाओगे तो क्या होगा, रुमाल को लगाएं तो आपको परमेश्वर छुएगा हाँ ठीक है। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं उस तेल को बच्चों के सिर के ऊपर अप्लाई करके भी स्कूल में भेजती थी, रोज हर रोज। ऐसे विश्वास बन गया था इतना तेल के ऊपर, परमेश्वर के पास नहीं था इतना, उस पर था परमेश्वर पर उतना नहीं था, उन चीजों पर इतना था। परमेश्वर के साथ तो मैं जुड़ी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने, जबकि ये इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है और हांगकांग में शेफ है जी। क्या है ये शेफ, समझते ना, कुक वैल्यू होती है ऐसे इंसान की, समझते आप, अच्छी इसकी सैलरी है, बड़े काम खुदावंद ने किए। लेकिन ध्यान दो। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इसकी ये ना ऐसे ढूंढ रही थी कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं परमेश्वर मुझे ऐसे टच करे, ऐसे इसका दिल था बड़ा जी। लेकिन इसके लिए ना एक दिन इसके पास एक वीडियो आई दिल्ली का एक पास्टर की जी। ठीक है, जब उससे वीडियो आई तो अपना जो भी सीट डालना होता है ठीक है ना, ये पहले पास्टर जी को डाल देते ठीक है। लेकिन जब ये दिल्ली वाले पास्टर से बात हुई इनकी, तो उन्होंने इन्हें कई बातें समझाना, क्योंकि अब ये सीखना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे कि कोई मुझे पर्सनली बाइबल के कुछ वचन बताए, ये बात बताए पर्सनली, जब मैं सुनूं सीखूं। उसे इनकी बातें होने लगी, वहां भी कुछ बीज बोने लगे, ये वफादार थे बीज बोने में ठीक है। एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि मुझे परमेश्वर फील नहीं होता, टच नहीं करता मुझे आत्मा जी। मैं उसे पाना चाहती हूं जी। और उस पास्टर ने तुम्हें क्या कहा, पापा जी उस मिनिस्ट्री से आगे जाने का मकसद मेरा यही था कि मुझे कुछ फील नहीं होता था। अच्छा, फील नहीं होता था परमेश्वर, मैं जो तेल लेती थी वो रुमाल लेती थी, आपको वो इतना फील नहीं होता था मेरे लिए कुछ। सुनो देखो, अब बड़ा विषय आपके लिए, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड संसारी है, संसारी थे हाँ। तो इनको भी वो फील होते है, क्या करते हो आप। अच्छा, ये भी सोचते थे कि ये तो विश्वास नहीं करते थे, ये पखंडवाद होता है। उनको दे दो माइक की, बाबा जी मैं सोचता था ये पखंडवाद है, तेल लगाने से क्या होगा, रुमाल लगाने से क्या होगा, परमात्मा जो है वो रूह में होना चाहिए। अच्छा, ऐसे दिमाग था आपका ना जी। देखो इनके दिमाग में ना परमात्मा, क्योंकि ये तो सिख फैमिली है ना, तो ये दिमाग में था तो परमात्मा तो हमारे अंदर रूह में होना चाहिए ना जी। ये तो फिर वो ही संसार वाला सिस्टम हो गया, ऐसा दिमाग था इनका। सुनो जी, लेकिन उस पास्टर ने ना इस बहन को कहा, अगर तुम परमेश्वर को पाना चाहती है ना,
तो 60 रोजे रख, उपवास रख। कितने जी? 60 जी। जब उसने कहा तो फिर आप सुबह कितने बजे घर से जाते थे? पापा जी मैं 5:30 चल जाती हूँ घर। सुबह जी। वापस कितने बजे आते हो? वापस में आती हूँ 4:30-4 बजे। 4:30-4 बजे, इतनी लंबी ड्यूटी, पूरी 8-9 घंटे, इतना स्ट्रगल, इतना हार्ड काम था, पूरा हार्ड। तो खाना कब खाते थे उपवास के बीच में? मैं सुबह से चल जाती थी तो शाम को एक बार खाती थी, थोड़ा 6 बजे या 7 बजे आके, तब भी वही खाते थे। सुबह से खाली पेट काम करना, पूरा टाइम खाली पेट करती थी। पानी भी मैं सिर्फ, उन्होंने बोला था 3 बार पीना है, तो इससे ज्यादा नहीं। सारा दिन में 3 बार पानी पिया, बाकी कुछ नहीं? जहाँ देखे मैं पानी एक दिन में नहीं पीऊ ना, तो मैं 10 से 12 ग्लास पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ। लेकिन आपने उनकी वजह से कि मुझे परमेश्वर को पाना है, जी जी जी, सिर्फ 3 बार पानी पिया सारा दिन में जी, और भूखे रहकर परमेश्वर को खुश करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर तुझे पाना है। यस। अच्छा, 60 दिन इसने पूरे कर लिए, और जैसे 60 दिन पूरे हो रहे थे तो आप, भूख लगी है, शरीर कमजोर हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, और इनको क्या हो गया? 60 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए, उससे पहले ही इनको एक बीमारी आ गई जी, वो थी ब्लीडिंग। यस। इनको लहू बहने का रोग लग गया जी। ठीक है, अभी लहू बहने का रोग तो लग गया, इन्होंने डॉक्टर को चेक कराया, उसको बताया नहीं जी। उसने कहा आप क्या क्या खा रहे हो, कैसे खाना पीना खा रहे हो, आपका ब्लड इतना कम हो गया है जी। इन्होंने बताया नहीं कि मैं ऐसे भूखा रह रही हूं, ताकि वो माइंड ना करे डॉक्टर, तो उसने बताया। लेकिन फिर भी इसने फिर पास्टर जी से बात की जी, उसे कहा कि पास्टर जी मैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, 60 दिन पूरे कर लिए लेकिन मुझे फील नहीं हुआ परमेश्वर उसका। yes. आत्मा क्या, कैसे बात होगी परमेश्वर से? yes. उसने जान दे क्या कहा आगे से, 30 रोजे और रखो। yes. कितने? 30 रोजे। जब इन्होंने 30 रोजे फिर स्टार्ट कर दिए साथ में, उसके बाद जान दे क्या हुआ, उस ब्लीडिंग की वजह से ना इसका मसल खींचा गया पीछे से। yes. और मसल खींचने की वजह से और क्या क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द होता था, L5 and 4 जरा मन का था, उसमें कैब आ गया। हाँ, तो उसकी वजह से सर्वाइकल भी होगी, दर्द होती थी पापा जी, सिर मेरा इतना पेन करता था कि माइग्रेन हो गया था जी, मुझे माइग्रेन हो गया, सिर में सर्वाइकल हो गया जी, रीढ़ की हड्डी में L4 और 5 मनके में गैब आ गया, कमजोरी की वजह से जी। वो क्या कहते हैं, मसल खींचा गया उसकी वजह से जी। इतनी बीमारियां, ऊपर से ब्लीडिंग जी। अच्छा, जब ये तुम्हारी वो दर्दें उठती थी उसकी सारी तकरीबन मिलकर जी, कितना तड़फती थी तुम? बहुत ज्यादा पापा जी, मैं 12 गोलियां खा जाती थी एक दिन में, भूखी रहकर भी खा जाती थी 12 गोलियां जी, पेन किलर, जहां तक कि मैं एक भी गोली लेना पसंद नहीं करती। जब से 12 गोलियां आपने खाई जी, दर्द कम हो जाए जी, सोच लो। अच्छा, जब आप लेटते थे घर में तड़फते थे पापा जी, मैं परमेश्वर को मानती थी तो है? मुझे, मैं परमेश्वर को मानती थी हाँ। तो मैं अपने हस्बैंड को शो नहीं करती थी कि मैं, मुझे प्रॉब्लम है, ताकि ये गुस्सा ना करे, ताकि इनका विश्वास मुझे और पीछे ना डिस्करेज ना करें ये लोग। तो मैं इनको शो नहीं करती थी, इनको बताती दर्द सहती थी इनको आगे पीछे होकर। अच्छा, ये जो आपने एक बार मुझे बताया था कि जब मैं तड़फती थी तो ये मेरा छोटा बेटा, ये वाला पापा जी, मैं इनके रूम में जाती थी हाँ। तो मैं इनको बताती थी कि मेरे दर्द इतनी हो रही है कि मुझे बर्दाश्त से बाहर है, और ये दौड़ कर कपड़ा लेते थे, लगाते थे, तू चंगी हो जाएगी, अभी चंगी हो जाएगी मम्मी, ऐसे करते थे। नहीं पापा, ये लेते थे ऑयल हाँ। और वो रुमाल, बोलते थे परमेश्वर इसे चंगा कर दो हाँ। ऐसा बोलते थे, ऐसा नहीं करते थे कि हाँ। तुम चंगी हो चुकी हो, क्योंकि मतलब इनको ज्यादा समझ नहीं थी जी। नहीं पापा, उनकी जो टीचिंग थी ना, कोई बात नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं, क्योंकि हमने एक पॉइंट सीखना यहाँ पर आज, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब आप ये लगाते थे कपड़ा ऐसी चीज के जी, तुम चंगी हो जाओगी अभी जी, लेकिन होते तो नहीं थे, कुछ नहीं होता था इनके सामने। बताओ जरा माइक दो छोटे को या बड़े को, तुम दोनों ही थे उस वक्त जब आप लगाते थे, जब ये नहीं ठीक होते थे, आपके विचार कैसे होते थे? जय मसीह की। आप क्या सोचते थे उस समय भी, ये क्यों नहीं हो रहा? उस समय सोचते थे कि एक की करिया नाम है, मैं जो तो लौंदा सी ना, जयश्री पापा हाँ, जय मसीह। तब हम बोलते होते थे क्योंकि हमारी टीचिंग ऐसी थी ना कि आपका घर में घोस्ट है, जाए इसको बाहर निकालो, वैसे ऐसी तो, कुछ चीजें हाँ। और हम बोलते थे कि हमने अच्छे से बांधा नहीं उसे, लाइक शैतान को हाँ। हम पहले वो टीचिंग ऐसी थी कि शैतान को बांधना है तुमने, घर उसको आग लगानी है हाँ। ये करना है, वो करना है। तो जब हम तेल लगाते तो हमें लगता था कि
हमने तेल तो लगा दिया, अभी हमारा हम अच्छे से बांधा नहीं है इसे, तो फिर से प्रे करनी है, शैतान को बांधना, आग लगानी है। वैसे ऐसी चीजें, रीति रिवाज ऐसी चीजें कर रहे थे, लेकिन आपकी मम्मी उस बीमारी से, माइक दोने, ये जो आपका हालात था इतना खतरनाक जी पापा जी, कितने टाइम तक इसमें जूझते रहे इस हालात में? एक साल तक पापा जी। एक साल तक जी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को इतना पता था कि इसके बैक में दर्द है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से MRI कराए, उसमें बोल दिया कि इसमें गैप है, दो बनकों में गैप है। तो इन्होंने भी उसको बहुत सीरियस लिया कि इसका काम इतना भारी है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। राय अच्छा, जब 90 रोजे पूरे हो गए आप जी, फिर आपको परमेश्वर मिला? नो, नहीं ना, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, अभी सुनो ध्यान से, आप सीखने वाला विषय क्या है। ये ऐसी परेशान थे उस हालात में, लेकिन एक दिन ना इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री का एक सॉन्ग सुना जी, ठीक है, गीत सॉन्ग, जब वो सुना तो इनको बड़ा अच्छा लगा जी। इन्होंने 8-10 बार एक ही दिन में सुना जी। अच्छा, आपके अंदर से एक आवाज आती थी कि इस मिनिस्ट्री के अगुए से मैं बात करूं? पापा जी, मैं लाइव देख रही थी हाँ। तो मुझे ऐसे कुछ ना फील नहीं हो रहा था उस मिनिस्ट्री में, ठीक है, तो मैंने आगे किया, स्विप किया हमारी तो मिनिस्ट्री को, आपकी मिनिस्ट्री का सॉन्ग आया, मुझे भी मेनू भी ले चल नाल, जब तू बदला तो आमेगा, ठीक है, ये वाला सॉन्ग। इस सॉन्ग में इतना टच हुआ, मैंने मीटिंग छोड़ दी, तो मैंने ये सॉन्ग 5-7 बार सुना उस दिन हाँ। तो मैंने सुनने के बाद मैंने फील किया कि कुछ फील हो रहा है, लाइक बहुत मुझे रोना आया हाँ। इतना रोई, मैंने अपने बच्चों से भी सुनाया वो सॉन्ग, मैंने बहुत देर तक अपने फोन पे भी लगा कर रखा। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ ये मिनिस्ट्री को सर्च कर दियो, मैंने मिनिस्ट्री को सर्च किया तो मैंने देखना चाहा, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे नहीं देखना इसको, मुझे दिल ऐसा बोल रहा था, दिमाग दिल बोल रहा था कि देख, दिमाग बोल रहा था नहीं देखना, ऐसे हो रहा। तो मैंने उसको जब सुना ना, उसके बाद मैं 3-4 महीने तक मैं ऐसे ही करती रही, अब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जी। एक आवाज आती थी इस मिनिस्ट्री के जी अगुए से बात करो जी, एक आवाज आती रहने दो जी, ऐसे हो रहा था 4 महीनों तक। दिल से आंदा सी पापा जी, पर मैं देखना चाहती थी, देख नहीं पाती, ऐसे रुकावट शैतान की जी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था जी कि आप सही चीज समझो जी। सुने थे, देखो आप ध्यान दो। एक दिन फिर मेरी बात हुई इनसे, टीम ने करवाई, ठीक है, मैंने इनकी सारी बात सुनी। Yes. सुनने के बाद मैंने ना फिर इन्हें टीच किया, आत्मिक बातें बताई मैंने इन्हें, बताया परमेश्वर कौन है, कितना महान है। Yes. वो ऐसा नहीं है जैसे हम रीति रिवाज बनाकर बैठ के जी, वो जैसे हमारे माता पिता है, अगर हमारे बच्चों को कुछ चाहिए तो हम पहले ऐसे बोलेंगे इतने दिन भूखे रहो फिर हम आपका काम करेंगे जी, नहीं कहते ना ऐसे, नहीं कहते ना, तो खुदा भी ऐसे नहीं कहता। उपवास क्या है, क्यों करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जी। इसको करो या ना करो, इसमें कई सारे पॉइंट है, इस पर मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहता कोई भी, ठीक है, लेकिन एक चीज सीख लो, अगर सच्ची, इसने तो सच्चे मन से रखे ना उपवास, क्या रखे इसने जी, इसका क्या कसूर था, इसने तो प्रॉपर जैसे समझाया गया, सारा दिन में 3 बार पानी पीना और एक ही मील खाना बस। Yes. अपना प्रॉपरली उपवास को रखा 60 दिन, फिर 30 दिन और। अच्छा, पर अगर अगर ये बात है कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा था कि 90 रोजे रखकर इतनी 5-6 इसको बीमारियां दे दी परमेश्वर ने, क्योंकि शिक्षा के हिसाब से इसकी परीक्षा है जी, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसा सिस्टम है परमेश्वर का, आप बताओ मुझे, सोचो थोड़ा सा, आप सोचो थोड़ा सा। मैं तो ऐसे सिस्टम को नहीं मानता, मैं तो ऐसे ज्ञान को भी नहीं मानता, मैं तो उसको मानता जो खुदा ने मुझे बताया है जी। मैं ये जानता हूं कि वो महान है, वो एक ही तरह का है, उसने हमें जीवन देने के लिए इतने खिल ठुकवाए जी, शरीर को शलनी करवा लिया जी, और बाद में कहेगा मैंने तुम्हें भी रोगी देना। अब देखो इसकी तकलीफ कितनी थी, ये तकलीफ उस शिक्षा के हिसाब से जो इसके पास थी परमेश्वर की ओर से थी। मैंने इन्हें बताया परमेश्वर की ओर से नहीं है जी। मैंने इन्हें बताया ये दुष्ट ने काम किया है, क्योंकि आपको उपवास के बारे में नॉलेज नहीं है जी। आपको अनुग्रह के प्रबंध के बारे में नहीं पता, आपको पवित्र आत्मा के प्रबंध की जानकारी नहीं है। इस समय शैतान क्या है, वो आपके पाँव के नीचे, उसको कुछ बोलने की लोड़ नहीं है कि बांध दो उसको, आग लगा दो, ऐसी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है जी।
आपको बस अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ चलना है, वो आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। ये सारी चीजें मैंने एक महीने में, मेरी दो या तीन बार बात हुई होगी, एक महीने में तीन बार बात हुई इनसे। एक महीने बाद सारी बीमारियां आउट होगी, सारी। ऊंचा बोलो हालेलुया। आप मुझे बताओ, अगर मैंने उन चीजों से इनका मन हटा दिया, कपड़ा, तेल, मटेरियल, ऐसी चीजों से खुदा से जोड़ा डायरेक्ट, ये गलत काम है? कुछ नहीं है। रुमाल, तेल, नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं बताओ, ये गलत काम है? अरे आप एक इंसान को हमेशा शरीर में रखना चाहते हो? देखो, मेरा बाइबल में मैंने बहुत अच्छे से सीखा है ये बात को सीखा मैंने कि जो शारीरिक मनुष्य है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। आप जानते हो, किसी मनुष्य को कोई चीज दे दो, चाहे उसको कह दो कि ये आत्मिक चीज है, जानते हो जैसे उसके हाथ में आएगी उसको विश्वास बढ़ाएगा, उसको फील होगा कि अब मेरा बड़ा होगा उसको पकड़कर। उसी बंदे को चीज ना दो और डायरेक्ट ऐसे आत्मिक विश्वास करने के लिए बोलो तो वो करेगा नहीं, उसको स्टार्टिंग में ये अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन हमें करवाना है सही चीज, बोलो, शुरू से ही लोगों को ऐसी चीज में लाना ही नहीं है। हमें डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जीवन है, डायरेक्ट अनदेखा परमेश्वर। जब यीशु मसीह ने कहा थोमा को कि तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास करते हो, धन्य होंगे वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। जब परमेश्वर को हम बिना देखे विश्वास करेंगे तो असल विश्वास का नियम हमारी जिंदगी में पूरा होगा। आपको आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में आना है, आत्मिक चीज करनी है हमेशा वो मेरे साथ। ऐसे आत्मा में फील करना है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं, बस मैंने ये किया है। आप बताओ, जब मैंने किया इनकी जिंदगी स्वर्ग होगी तो स्वर्ग होनी चाहिए या वहीं पड़े रहने चाहिए थे इनको? बोलो, आप बताओ। तो फिर जो मेरा विरोध करते हैं, नुकसान तो उनका होगा, मेरा थोड़ी करते, प्रभु का करते हैं। मुझे तो प्रभु ने कहा यह करने के लिए। ऐसे कितने, अभी देखो कौन सी मिनिस्ट्री से हमारे पास लोग नहीं आते। लेकिन याद रखना, हमने कभी मिनिस्ट्री का नाम लेकर उनकी बदनामी नहीं की। हमने जो हमें राइट परमेश्वर ने कहा हम वो करेंगे जी। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होगी इनकी असल जिंदगी, ये बढ़ने लगे। ये जो इनका बच्चा है ना खड़ा, इसका नाम परमन है, दीप है। पापा जी, हाँ, उन तीन, जो जब मैं उन मिनिस्ट्रियों से जुड़ी थी ना, मैं तीन बड़ी मिनिस्ट्रियों को छोड़कर यहाँ पे आई हूँ। हाँ। तब मेरे घर में कोई बरकत नहीं थी, मेरे घर में कलेश था, कोई बरकत नहीं थी। हम इतनी कमाई करते दोनों हस्बैंड वाइफ, हाँ, इतनी हमारी बिग सैलरी थी कि हम कुछ का कुछ बना सकते थे, लेकिन हाँ, हमारे घर में कोई बरकत नहीं है। कोई बरकत जब से हम यहाँ मिनिस्ट्री से जुड़े हैं तो हमारे घटी में भी इतनी बरकत है कि हम खुलकर जी सकते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ये 20 बोने में बड़ी वफादार है, ये गवाही इसकी बाद में कभी देंगे 20 की, आपको अभी कारण है कोई, ठीक है? लेकिन अभी ध्यान दो मेरी तरफ। ये देखो लड़का इनका, ये जो ये हाथ खड़ा कर रहा है, जो ये स्टडी में बड़ा आगे पीछे हो गया था, ये जो प्लस टू होती है ना वो भी पास नहीं कर सकता था, वो भी। लेकिन इसकी मम्मी का जो विश्वास था, आप सोच ही नहीं सकते सच्ची, जो मेरे द्वारा सीख कर ही आगे बढ़ गई थी, और मेरे मुंह से आने वाले एक शब्द को भी कभी ये हल्का नहीं लेती थी। यस अम्मे, इसने मुझे कहा था कि मेरे बेटे लिए आप बोलो शब्द, अपोस्टल जी, पापा जी, ठीक है? तो मैंने कहा चिंता मत करो, वो बड़ा बेस्ट होगा। यस अम्मे, अभी ये पास भी हो गया है, हांगकांग में प्लस टू कर लिए, और इसको कनेडा में स्टडी का आराम से वीजा भी मिल गया है। अब ये इसी 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 साल और इसकी मम्मी कनाडा में जा रहे हैं जी। और वहां पर क्या हुआ, जब कनाडा जाना था तो हांगकांग का जो इनको कितने सालों से नहीं मिल रही थी सिटीजनशिप, फर्स्ट, पापा जी 8 साल हो गए थे, 8 सालों से आपको हांगकांग की सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। फर्स्ट मैंने किया था 2008 में, फिर उसके बाद अगर हम गैप नहीं करते तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ। उन्होंने, मैंने तीनों का किया, अपने बेटों दोनों का, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ। जहाँ के कोई भी रीजन नहीं थी। हाँ। कि मुझे वो रिजेक्ट कर सके, क्योंकि मैं जॉब में एवरीथिंग, सब पेपर में पूरा वर्क था मेरा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने फिर वेट किया,
फिर मैंने 3 साल के बाद अपने दो अपने अकेली का लगाया हाँ। कि मैं अपने अकेले का बनाती हूँ, बच्चों का तो खुद ही बन जाएगा, ठीक है, वो अंडर 18 है राइट। उसके बाद मेरा फिर रिजेक्ट हो गया। ओके, तो फिर जब मैं अभी अप्लाई किया 1 साल पहले, आप मुझसे बात करके किया, आपसे बात की मैंने, मैंने बोला कि पापा मुझे वर्ड दो, आप मुझे जो वर्ड दोगे वो मेरे लिए डन होगा। तो मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा फिर बताऊंगा। आप उसके बाद मैंने बताया कि जाओ लगा दो। आपने 3 दिन की प्रार्थना की, उसके बाद आपने मुझे बताया कि आप लगा दो। लगा दो जी। तो मैंने वो फाइल पे प्रे किया कि परमेश्वर आपके दास ने वर्ड दिया है, ये मेरे लिए हो चुका है। तो पापा जी अभी 17 मंथ में आता है वो पासपोर्ट हाँ। तो मुझे परमेश्वर ने 14 मंथ में 14 मंथ में इनको उस देश का सिटीजनशिप मतलब पक्के नागरिक वहाँ बन गई है हांगकांग में। वो ऐसे और पासपोर्ट का मींस ये है पापा जी कि हम 180 कंट्री में ऑन अराइवल जा सकते हैं, कहां बिना बिना वो लिए वीजा के, वीजा बिना के, बिना वीजे के। सोच लो यस। 180 कंट्री, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, 180 कंट्रियों में जी। ये उस देश की जो परमानेंट सिटीजनशिप लेने के बाद ये जा सकते हैं जी। लेकिन मैं इनसे पूछ रहा था आप कनाडा क्यों गए और अमेरिका जाते हैं यहाँ, लेकिन कहते कोई नहीं आप परमेश्वर इससे भी आगे लेकर जाएगा, यूज करेगा। yes. समझे आप। फिर शैतान ने क्या किया, एक छोटी सी रुकावट दे दी जी। एक ATE होता है, वो मिल जाना चाहिए था, उसमें बड़ी रुकावट आ गई जी। लेकिन ये डरी नहीं, इसका विश्वास इतना तगड़ा हो चुका था कि बड़े से बड़े हालात भी हो तो ये कभी कुछ भी नहीं, जैसे मैं बोलता सेम बोलती है, खड़ी रही। वो बड़ा कठिन हो गया था, 2-3 बार वो कहते हैं आप ऑलरेडी कनाडा में पीआर हो, आपको किस किस लिए दे ये ATE। पापा जी वो ETA जो अप्लाई होता है वो ऑनलाइन होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है जस्ट हाँ, हाँ। सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि मैं आ रही हूँ और वापस आना है हाँ। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, डन होता है हाँ। तो उन्होंने मेरे लिए बोल दिया कि आप तो खुद यहाँ की पीआर हो हाँ, इनका किसी दूसरा का नाम मैच कर रहा था इंटरनेट में जी। उन्होंने बोला कि आप वकील करो, फिर वकील के थ्रू चेक करो क्या हुआ, कितने पैसे मांगता था वकील। मैंने कनाडा में बात की अपने रिलेटिव से, उन्होंने वकील से बात की, वो बोले $8,000 लगेगा। उसका इधर का कितना हो गया, इधर का 5 लाख लगभग। यस हाँ जी, 5 लाख जी। इन्होंने मुझे पूछा, इनका भी विश्वास था, मैंने कहा एक दुक्की भी नहीं देनी ऐसे आ जाएगा। जब इतना बड़ा विश्वास बन गया हो खुदा पर जो हमने बनाया है, सही चीज बताकर आत्मा के द्वारा जीवन जीकर, कि पापा जी आपने सिखाया था कि जब भी प्रार्थना करो तो बोलो कि मेरे पास है, पास है जी। तो yes. मैं पासपोर्ट के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि बच्चे का स्टडी का भी सब पूरा पूरे टाइम में हुआ सब कुछ, पासपोर्ट आना, आगे स्टडी, मतलब शैतान ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमारे विश्वास के सामने वो टिक नहीं पाया, टिक नहीं पाया। यस अब देखो अभी ये बहुत बड़ी गवाही है आपके लिए, तारीफ करो जोर से, हालेलुया हालेलुया, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। Yes, 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 yes. इस जीवन काम के लिए खुदावंत का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो खुदावंत। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।